ऐतिहासिक फैसला राम मंदिर पर हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है राम मंदिर पर, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण ये खबर है कि अर्थव्यवस्था जो भारत की है वो गिरती हुई दिखाई दे रही है, उसी के तहत कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है धरना प्रदर्शन किया है, मार्च निकाला है एक छोटा सा। हमारे साथ जयसिंहपुर पूर्व मंडल अध्यक्ष ढटवाल साहब हैं। ढटवाल साहब, क्या उद्देश्य है? अर्थव्यवस्था नीचे आ रही है, किस उद्देश्य से आप लोग ये जो है मार्च निकाल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट का भी हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला जो दिया है, और इसके लिए पूरा भारतवर्ष और पूरी जो जयसिंहपुर की जनता है हमारी तरफ से भी इनको बहुत बहुत बधाई, और ये बहुत ही सराहनीय फैसला है, इसकी बधाई। परंतु इसके साथ ही जो मेन मुद्दे हैं जिनसे जो सरकार है वो अनभिज्ञ है, और वो है कि बेरोजगारी आज की जो परिवेश है उसमें अगर देखा जाए तो बेरोजगारी, आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, बेरोजगारी जो है वो एक मुख्य मुद्दा है, और उससे ध्यान भटकाने की सरकार जो है वो टाइम टाइम के ऊपर ऐसे जो अपने फायदे ले रही है, और इस मुख्य की से महंगाई आज देखो टमाटर जो है वो 80 रुपए के जी हो गया है, प्याज 60 और 70 रुपए के जी मिल रहा है, तो महंगाई से जो पूरी जनता जो है वो त्राई त्राई है, और इसलिए जो है हमने जो फैसला किया है वो सभी जगह के ऊपर जो है हम गांव-गांव में जाके और सरकार की ये जो महंगाई और महंगाई के लिए जो भ्रष्टाचार एक ये है इसके लिए हम सब को उजागर कर रहे हैं इन नीतियों को, और बेरोजगारी जो है बेरोजगारी के प्रति जो सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है और बेरोजगारी को नहीं हटा पाई है, ये हमारा मुख्य मुद्दा है और इसको लेकर जो है हम गांव-गांव में जा रहे हैं। जी, हमारे साथ प्रकोष्ठ जो है व्यापार मंडल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं सुशील कौल साहब। सुशील कौल साहब, ये जो आपने बैनर तले ये जो अभियान चलाया है, क्या लगता है यहाँ तक सीमित रहेगा कि आगे आप और जो है इस अभियान को लेके जाने वाले जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में? धन्यवाद, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने इतना ऐतिहासिक फैसला दिया है और राम मंदिर के लिए अनुमति दी है, तो इसका हम धन्यवाद करते हैं। और पर जैसे कि हमारे पूर्व अध्यक्ष ढटवाल सर ने कहा कि सरकार जो है वो मुख्य मुद्दों को भटकाने के लिए समय समय पर विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाती है। आज की देश में हमारा जो युवा वर्ग है, हमारी जो महिला शक्ति है, बेरोजगारी की मार मुख्य रूप से झेल रही है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 3 दिन पहले हमारे जयसिंहपुर क्षेत्र में ही पंजरुखी में कुछ शरारती तत्वों ने शराब के नशे में आके कुछ हमारी महिला शक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो ये जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है और ये नशा है, इसके विरोध में हमने कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पे आए हैं, और ये संघर्ष बहुत उग्र होगा अगर प्रदेश की सरकार या देश की सरकार इसके विषय में कोई पूर्ण निर्णय नहीं लेती है, तो ये संघर्ष जो है और आगे तक जाएगा, इसको हम और उग्र करेंगे। जी ढटवाल सर, एक सवाल मेरा आपसे है, आप पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, दबे मन से तारीफ तो करनी पड़ेगी आपको भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम मंदिर को जो निर्णय लिया है दबे मन से कर रहे हैं, स्वतंत्र तरीके से? स्वतंत्र, मैं एक सर्विसमैन हूँ और अभी भी मैं BDC मेंबर हूँ, मैं किसी विशेष पार्टी के प्रति इस विषय में नहीं जाता हूँ, ये मेरी मन की राय है, और ये दोनों ये जो सरकार ने फैसले किए हैं ये स्वागत योग्य हैं और ये सभी लोगों के दिलों के स्वागत योग्य है, तो हमारे भी होगा। मैं एक BDC मेंबर होने के नाते और लोगों की जो भावनाएं वो आपके साथ में उजागर कर रहा हूँ, पार्टी का एक अलग विषय हो सकता है परंतु ये सराहनीय है, दोनों कदम सराहनीय है, और इसकी हम सरकार की और उच्चतम न्यायालय की जो जजेस हैं उन्होंने जो फैसला दिया है वो बहुत ही सराहनीय है, उसकी हम दिल से जो है स्वागत करते हैं, ये कोई दबे मन से बात नहीं है, खुले मन से इसका मैं ऐलान करता हूँ कि बहुत बढ़िया। जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो है दिशा दशा घर की निर्धारित करती हैं, महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं। प्याज, महिला अध्यक्ष आशा लोत्रा जी हैं, प्याज बहुत महंगा हो गया, लोत्रा साहब क्या कहती हैं आप महिला हैं, घर चलाती हैं, क्या कहना चाहेंगी महंगाई? महिलाओं के लिए ये बहुत दुख की बात है, सिलेंडर बहुत महंगा हो रहा है, प्याज बहुत महंगा हो रहा है, सरकार जो ये ठीक नहीं कर पा रही है इन चीज़ों को, और ये कर भी नहीं पाएगी,
तो ये महिलाओं के लिए तो ये बहुत किन, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को? महिलाओं को सिलेंडर जरूरी है, प्याज हर चीज किचन की जो महिलाओं के लिए जरूरी है तो सामना तो करना पड़ता है। सब्सिडी दे रही है सरकार आपको? हाँ, नहीं दे रही है। अब इस बार तो फिर महंगा कर दिया उसने सिलेंडर जी। हाँ, तो इसके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। कितना मुश्किल होता है मैडम घर चलाना, जैसे अब महंगाई जो है आप बात कर रही हैं, प्याज 80 रुपए है, टमाटर 60 रुपए हैं, कितना मुश्किल होता है एक आम औरत के लिए घर चलाना? ये आम औरत के लिए, सभी के लिए घर चलाना क्या, जो अच्छे अमीर लोग कहेंगे उनके लिए भी मुश्किल हो गया, तो गरीब जनता, गरीब लोग जो है उनके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है जी। हाँ जी जी, गढ़वाल साहब क्या मैसेज देना चाहते हैं जयराम सरकार को, आप जो ये मार्च निकाला है क्या मैसेज होगा आपका? हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि जिस तरह से पिछले 2 महीने से अभी तक डिपो में जो दाल नहीं आई है और महंगाई जो है वो बहुत कुछ सीमा तक पहुंच गई है, तो डिपो के माध्यम से जो है सब्सिडी दी जाए और जो गैस का सिलेंडर है, जैसे अभी महिलाएं मेरी बहनें ये बोल रही थी कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, ये इसको भी जो है सब्सिडी ज़्यादा देनी चाहिए और तब जाके जो है ये पूरा जो महंगाई है उससे जो आम लोगों को जो है राहत मिल सके। हम जयराम सरकार जी के लिए भी यही एक मैसेज अपना देना चाहते हैं कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें और बेरोजगारी, और मैं बेरोजगारी में भी बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। अभी हाल ही में यहाँ पर जो है ड्राइवर और कनेक्टर की भर्ती हुई है, परंतु डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की मैं अभी बात यहाँ पर करना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जितने भी ड्राइवर रखे गए हैं आप आरडीआई के माध्यम से ले सकते हैं, सारे मंडी से रखे गए हैं और कांगड़ा क्षेत्र के साथ जो अनदेखी की जा रही है तो यहाँ पर क्षेत्र बाद भी हो रहा है। तो जयराम सरकार से मेरी ये भी प्रार्थना है कि वो जो है इस पक्ष को जो है कि जयराम सरकार मंडी जिले से ताल्लुक रखते हैं तो सब चीजें मंडी में जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो है अनदेखी हो रही है, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। ये मैं हमारी विधानसभा से अभी कोई भी जो है एक भी कर्मचारी या कोई दूसरा जो है वो नहीं रखा गया, जबकि दूसरे ही अपने जिले से जो है उनकी पूरी भर्ती हो रही है, तो ये भी मैं प्रश्न जरूर उठाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी। जाते जाते आखिरी सवाल, अभियान कितना सशक्त होगा ये आपका आने वाले समय में? सर ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, बिकॉज ये यहाँ तक ही सीमित नहीं होगा, इस अभियान को हम गांव-गांव, शहर-शहर और भारत के कोने कोने की पंक्ति के आखिरी शोर तक के जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, हमारे भाई बहन बुद्धिजीवी को जुड़ा हुआ है, उनको हम जोड़ेंगे और इस अभियान को बहुत आगे तक लेके जाएंगे जी। बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ मार्च निकाला है जसमपुर विधानसभा क्षेत्र में, और पूर्व मंडल अध्यक्ष डढ़वाल साहब और साथ में व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कौल साहब, इन लोगों का ये कहना है कि जो सरकार है वो नाकाम रही है वो हर मोर्चे पर, और कहीं ना कहीं डढ़वाल साहब का कहना है कि कांगड़ा जिले के साथ जो पक्षपात किया जा रहा है और जो मंडी जिला से ताल्लुक रखते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सारे काम जो है वो मंडी जिले वासियों के हो रहे हैं, कांगड़ा से कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है, और साथ में उन्होंने कहा कि जो आंदोलन है ये उग्र करेंगे और प्रदेश के कोने कोने तक इस आंदोलन को वो लेके जाएंगे। अब देखना लाजमी होगा कि प्रदेश का ये जो आंदोलन है ये कितना पनपता है और डढ़वाल साहब और सुशील कौल साहब की जो मेहनत है ये कहाँ तक काम में आती है।